खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटरनेशनल मिसेस इंडिया अर्थ मिसेस भारत आइकॉन टॉप मॉडल ऑफ इंडिया ऐसे बहुत से टाइटल जीते हैं। ये सब टाइटल जीतने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि मैं भी कुछ लेडीज़ लोगों के लिए करूं, और मैंने ये पेरेंट्स के दरमियान बहुत से लेडीज़ लोगों को ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा कि हर एक लेडीज़ में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, उसकी कुछ ब्यूटी है, आउटर ब्यूटी के साथ साथ उनमें इनर ब्यूटी है, जो वो पोटेंशियल है वो मैं चाहती हूँ कि वो बाहर आ जाए। तो ये जो मेरे थॉट्स थे, इसकी वजह से वी आर नाउ द फाउंडर ऑफ मिस एंड मिसेस इंडिया पैसिफिक, अप्सरा महाराष्ट्र एंड मिसेस इंडिया। तो हम लोगों का ये जो अभी पेजेंट है, ये सहारा स्टार मुंबई में हुआ था, और इसमें बहुत से कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट किया था। जो भी लेडीज़ थी, 18 साल से लेके 58 इयर्स तक की लेडीज़ थी, अलग अलग कैटेगरीज थी, उसमें मिस भी जीती, प्रीमियम कैटेगरी में दूसरी लेडीज़ भी मिसेस में जीती, और अभी जो मेरे साथ है अर्चना तेंदुलकर, वो क्लासिक कैटेगरी में जीती है, जो 38 से लेके 55 तक की जो कैटेगरी है उसमें वो जीती है। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक महिला जो है उसे बहुत खूबसूरत रहती है, मतलब उसके अंदरूनी जो सौंदर्य है उसको हम लोग बाहर लाना चाहते हैं। तो इसकी वजह से हम लोगों ने पेजेंट स्टार्ट किया, और हम लोगों का कॉज ही है किचन टू कॉरपोरेट, यानी किचन ये एरिया खाली स्त्रियों तक सीमित नहीं है, तो उससे बाहर आके वो कॉरपोरेट तक जा सकती है। ये जो मेरी विनर है अर्चना तेंदुलकर, पहले ये मराठी इंडस्ट्री में रह चुकी है, बिफोर मैरिज शी वॉज वेरी फेमस इन मराठी इंडस्ट्री, उसके बाद में उसने उसके मैरिज के बाद में उसकी सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उसने पूरी कंप्लीट की है, और उसके बाद अभी उसने जो ये पेजेंट में पार्टिसिपेट किया एंड शी वॉन द टाइटल, दिस इज रियली अप्रिशिएबल। ये बात है क्योंकि मैं मिस कोल्हापुर हो चुकी हूँ, मिस कोल्हापुर 1989, मिस मैनचेस्टर, मिस महाराष्ट्र। तो अभी मैं ये चाहती थी कि वापस, मतलब 27 साल बाद, कि क्या मैं ये वापस रैम शो, वापस ऐसे ब्यूटी पेजेंट कर सकती हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस है या नहीं है। और एक ऐसी बात थी कि मैंने मेरा पहला मैके का नाम तो रोशन किया, लेकिन हर एक औरत चाहती है कि मैं जब ससुराल आऊँ तो मैं ससुराल का नाम भी उतना ही रोशन करूँ। तो मेरा वो सोच लेके और एक कॉन्फिडेंस मतलब रिगेन करने के लिए मैंने ये पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था। के बाद बहुत इमोशनल मैं हो चुकी थी, क्योंकि मतलब पता नहीं, मतलब कुछ वेरी सरप्राइज, मतलब यस, इतना मैंने 23 साल मेरे मैरिज लाइफ, इसके बाद मैं ये पेजेंट जीत सकती हूँ ये नहीं, ठीक है बेस्ट पर्सनैलिटी का तो मुझे मिल गया था, लेकिन वो जो लास्ट होता है ना, द सर नेम स्टार्टिंग विद एस ए टी, धक 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 धक, एंड जब अर्चना तेंदुलकर बोला गया तो रियली आई वाज वेरी मच सरप्राइज की दिस एज आई हैव वन द टाइटल। इट इज़ वेरी नाइस फॉर माय फैमिली, माय रिलेटिव्स, माय फ्रेंड्स एंड एवरीवेयर, मतलब एक इंस्पिरेशन लोग ले रहे हैं कि चलो ये उम्र में जाके भी हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, जब अपने ससुराल में कहा होगा कि आपको ये पास्टर होना है, बस एक बार, तो उनका क्या रिएक्शन था, आपके हस्बैंड हो या इन-लॉज हो, उनका क्या कहना था? मेरे मतलब पहले तो इसमें था कि स्पाउस का कंसेंट, तो स्पाउस का कंसेंट, जैसे मैंने बोला कि ऐसे ब्यूटी पेजेंट है और मैं पार्टिसिपेट लेना चाहती हूँ, तो एक फटके में से तो हस्बैंड ने हाँ ही बोल दिया। और सबसे मुझे बड़ी बात थी कि इन्होंने, मेरे पेजेंट जीत गई, क्राउन जीत गई, लेकिन मेरे हस्बैंड थे ही वॉज आउट ऑफ इंडिया, और उसी दिन रात को 10:40 को उनकी फ्लाइट आ गई थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और जैसे उन्होंने आए और वो नेट सर्विस में और बेटी का मैसेज पड़ा कि मॉम हैज़ वन द टाइटल, मतलब वो डायरेक्ट एयरपोर्ट से डायरेक्ट सहारा स्टार में एंटर हो गए, और वो जो मेरे फ्लैशेज फोटोज चले थे, और
मैंने हस्बैंड को सामने देख के मतलब मेरे होश हक्के में के मतलब दंग रह गए। मतलब हस्बैंड आफ्टर 23 ऑफ ईयर्स मेरा हस्बैंड आ गए मेरा शो देखने के लिए, और लाइक मैं सबको इंट्रोड्यूस कर रही थी कि इज माई हस्बैंड, तो मेरे हस्बैंड ने बोल दिया नो आई एम हर हस्बैंड, आई एम द हस्बैंड ऑफ दिस विनर। सो वो जो बात उन्होंने स्टेटमेंट किया वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मिस एंड मिसेस इंडिया पैसिफिक, देयर आर एक्चुअली 3 कैटेगरीज, वन इज मिस एंड 2 कैटेगरीज इन द मिसेस। सो वी गिव द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द एज ऑफ राइट लाइक 18 टू 58 इन द मिस कैटेगरी। द एज एज इज राइट मीन्स अप टू द मैरिज, दैट्स मिस कैटेगरी। एंड इन मिसेस कैटेगरी फ्रॉम मैरिज टू 39 इज प्रीमियर कैटेगरी, and 39 to 55 is the classic category. So overall we give the platform right from the like miss from the age of miss right up to the 55. So all the probably we cover the all the age group maximum. So whoever have the potential they can come and we provide them the platform if they want to achieve something like in the fashion, glamour, Bollywood, Marathi industry, advertising. So if they have potential, we give the platform to the potential participants to achieve their dreams. Means in the India still there is a like woman, they struggle to achieve their dreams, and it is very difficult for the housewife to come out of the home and like do whatever they want to do in the fashion, drama, movie, advertising, television channels. So try to give maximum what they want to do in their life. Yes. Hi everyone, I'm Smriti Panchal, Mrs. Junior and founder of ASS Associates. और मिस एंड मिसेस इंडिया पैसिफिक जो अभी हमारा पेजेंट था जो सहारा स्टार में हुआ, इट वॉज रॉ अर्चना तेंदुलकर, ये मेरे क्लासिक कैटेगरी में शी इज अ विनर एंड शी इज अ वेरी टैलेंटेड। और अभी हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं मेरा नेक्स्ट पेजेंट, और नेक्स्ट पेजेंट होने वाला है अप्सरा महाराष्ट्र। यस, इट इज अप्सरा महाराष्ट्र और उसकी थीम रहेगी नौवारी साड़ी। तो आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक्चुअली ये पेजेंट खाली मराठी लोगों के लिए नहीं है, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए है, जो महाराष्ट्रियन खुद को समझते हैं वो सभी लोगों के लिए है। तो अप्सरा महाराष्ट्र में मैं कहना चाहूँगी आप सभी लोग जो है ये पार्टिसिपेट कर सकते हो, और उसमें अर्चना तेंदुलकर भी एज ए मोटिवेशनल लेक्चर देने के लिए आने वाली है। मैं चाहती हूँ कि अर्चना तेंदुलकर अपना जो प्रीवियस पेजेंट था उसके बारे में भी कुछ कहे। हेलो, मैं अर्चना तेंदुलकर हूँ। मैं जो ये आगे आने वाला जो इनका भी जून में जो पेजेंट है उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे सभी जो वुमेन्स